नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे उनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 के लिए लगातार हमारी एमसीक्यू सीरीज वीडियो फॉर्मेट में चल रही है, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। आज अगला वीडियो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। पहला प्रश्न देखिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नौ रत्नों में कौन वास्तुकार थे। ठीक है, तो बेसिकली जो चंद्रगुप्त सेकंड थे जो कि समुद्रगुप्त के पुत्र थे, तो ये इनका इंटरेस्ट जो था आर्ट एंड कल्चर वगैरह में काफ़ी ज़्यादा था और यहाँ इनके ही जो दरबार में नौ रत्न हुआ करते थे। ठीक, तो जिसमें से शंकु जो थे ये एक वास्तुकार थे। ठीक, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और जैसे यहाँ पे वरुचि हैं तो ये एक बेसिकली असंस्कृत स्कॉलर हुआ करते थे, है ना। वराहमिहिर हैं तो ये एक तरीके से कह लीजिए राइटर थे। ठीक, तो ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये बड़ा ध्यान से देखा करिए, नहीं है या है बड़ा गलत हो जाता है इसमें कई बार क्वेश्चन। तो कुछ पुस्तकें हैं उससे संबंधित लेखक हैं, तो ऊपर के तीनों यहाँ पे ठीक है। हमारा जो तारीख़ यामिनी है उलूक खां लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तारीख़ यामिनी के लेखक जो थे उत्बी। ठीक, और इस किताब में बेसिकली जो सबुकतगीन और महमूद गजनवी का थोड़ा इतिहास जो है उसका वर्णन है। अगला देखें कि एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण के छत्र से सुरक्षित होना चाहिए, यह कथन जो है किस नीचे शासक से संबंधित है। तो यह स्टेटमेंट था बलबन का, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि निम्न में से शेरशाह कालीन विभागों का कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है, तो शेरशाह के टाइम पे जो डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिश किए गए एक तरीके से समझिए यहाँ पे, तो इसमें दीवान ए आरिज जो है यहाँ पे एक दान विभाग लिखा है, ये गलत है। बेसिकली एक ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था यानी कि सैन्य विभाग था। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है इस क्वेश्चन में। अगला देखिए, निम्न में से कौन शाहजहां का पुत्र नहीं था। ठीक है, तो फिफ्थ मुगल बादशाह रहा शाहजहां, इसके यहाँ पे चार पुत्र थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब। ठीक, तो यहाँ पे आदिल शाह जो है ये गलत है, और इन सब में जो सबसे बड़ा था ये दारा शिकोह था। और दारा शिकोह के बारे में एक फैक्ट है कि जो उपनिषद थे यहाँ पे इसके द्वारा संस्कृत से पर्शियन में इसको ट्रांसलेट किया गया। अगला देखिए कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इन द पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ने वाला जो हमारा स्ट्रेट है ये है मैगलन। ठीक है, जो हमारा साउदर्न टिप है साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, वहाँ के एरिया में लोकेटेड है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि पहला वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक कब जारी किया गया था। ठीक है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स की बात हो रही है, तो फर्स्ट टाइम जो ये रिलीज हुआ था 2019 में, और अभी जो लेटेस्ट आया 2021 का, इसमें जो फर्स्ट प्लेस पे है आपका यूएस है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया, और इसमें जो इंडिया की रैंकिंग थी वो 66 थी, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। और इसको जो डेवलप करता है या कह लीजिए रिलीज करता है इस इंडेक्स को, एक न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव है और जॉन हॉपकिंस सेंटर है एक, इनके कोलैबोरेशन में इसको रिलीज किया जाता है। अगला देखें, 25 साल और भारत @100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में कितनी प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया है। तो अभी जो लेटेस्ट हमारा बजट आया है, तो ये जो इनिशिएटिव हमारा चल रहा है कि इंडिया एट 100, बेसिकली इस स्टेटमेंट में पूछा ये जा रहा है आपसे कि जो हमारा बजट में, चूंकि ये बजट इस बात पे बेस है कि जो नेक्स्ट ईयर 25 साल की हम एक रोड मैप देख के चल रहे हैं, जो हमारे 100 साल हो जाएंगे आज़ादी के, तो यहाँ पे इसको अमृतकाल माना जा रहा है 25 सालों को आने वाले। और इसमें जो हमारा बजट है इसमें जो मेन एम्फेसाइज किया गया है, जो पिलर्स कह लीजिए, तो इसमें चार सेक्टर्स पे किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। और कुल मिला के जैसे इसको समझें तो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट है आपका,
और इसके साथ साथ एक एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट एक्शन कह लीजिए। और जो चौथा हमारा इसका पिलर है ये हो जाएगा पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है। बजट डॉक्यूमेंट एक बार आप जरूर रेफर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 का, तो इसमें प्रतिदिन कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है भारत के अंदर। ठीक है, तो ये आंकड़ा है हमारा 36.5 किलोमीटर, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि पूर्वोत्तर के लिए नई योजना जिसका नाम है पीएम, यहाँ पे हिंदी में लिखा है, बेसिकली ये है DEVIN-E। ठीक है, इसकी घोषणा की गई है और इस योजना के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ठीक है, तो ये नई स्कीम प्रपोज की है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। इनिशियल इसमें जो फंड अलॉट हुआ है 1500 करोड़ रुपए है, जिसके अंतर्गत बेसिकली इसका फुल फॉर्म ये है कि प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे सोशल और इस तरीके के डेवलपमेंट होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। और इसमें एक स्पेशल बात यह है कि एक बाम्बू जो है बांस होता है, तो बाम्बू लिंक रोड इनिशिएटिव जो है मिजोरम में यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा कुछ। तो सी ऑप्शन फिलहाल करेक्ट है। डिटेल में भी इसको आप एक बार जरूर देखें, यहाँ इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। अगला है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लगाने की घोषणा की गई है। तो जो आजकल डिजिटल करेंसीज और इन सब में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से अगर कोई इनकम होती है तो दैट विल बी टैक्स्ड एट अ रेट ऑफ 30%। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि नीति आयोग SDG इंडिया सूचकांक तथा डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 2020-21 में सुधर कर 66 हो गया है, और जबकि यह 2019-20 के सेशन में कितना था। ठीक है, तो बेसिकली एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है नीति आयोग के द्वारा यहाँ जारी किया था, तो इंडिया एज अ होल का जो ओवरऑल स्कोर था इस इंडेक्स में दैट इज़ नाउ 66, और ये 2019-20 का सेशन में हमारा 60 था। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार कुल प्रजनन दर जो टोटल फर्टिलिटी रेट होती है हमारी, तो 2019-21 के यहाँ पे टाइम पीरियड में घटकर 2 हो गई है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि 15-16 में ये कितनी थी। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के यहाँ पे 2.2% थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, हाल ही में डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट यहाँ पे दिया गया है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें कि इंडिया प्रेस फ्रीडम 2021 रिपोर्ट जो है किस संस्था ने जारी किया है। ठीक है, तो ये इसको रिलीज किया गया है यहाँ पे राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा पत्रकारों पर हमले हुए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। अगला देखें कि इन द यूनियन बजट 2022-23 इट हैज़ बीन अनाउंस टू स्टार्ट रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम विद एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ₹6,000 है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। और इसमें बेसिकली जो हमारे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, यहाँ पे इनकी जो परफॉर्मेंस वगैरह है या वो उसको कह लीजिए और एक्सेलरेट करने के लिए उस सेक्टर को, ये सब इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाएगा। इसको हिंदी में भी देखिए आप। अगला है कि सरकार ने 2022-23 के बजट में खेलो इंडिया योजना के आवंटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। ठीक है, तो खेलो इंडिया स्कीम बेसिकली एक सेंट्रल यहाँ पे स्कीम है सेंट्रल सेक्टर की, और मिनिस्ट्री ऑफ जो स्पोर्ट्स और यूथ है इनके अंतर्गत ये आयोजित होता है, और यहाँ पे इसको आगे कंटिन्यू किया गया है इस स्कीम को, और इसका जो बजट इंक्रीज किया गया है ये है 48%। ठीक है, मोर देन 3,000 करोड़ रुपये का बजट यहाँ पे है, और इस अभी वाले बजट में एक नया कह लीजिए इवेंट इस स्कीम में ऐड हुआ है, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड स्कीम। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारा डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि हाल ही में खिजादिया पक्षी अभयारण्य और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है, तो इसके साथ अब भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या बतानी है आपको। तो इन दोनों के इंक्लूड होने के बाद 49 हमारी संख्या जो है रामसर साइट्स की हो जाएगी, और यहाँ पे खिजादिया जो है ये गुजरात में है और बखीरा जो है उत्तर प्रदेश में है, इसको भी ध्यान दीजिए आप। अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा परम प्रवेगा क्या है। ठीक है, तो
तो बेसिकली परम सीरीज यहाँ पे इंडिया में सुपर कंप्यूटिंग से संबंधित है और सिडैक द्वारा विकसित होते हैं ये कंप्यूटर्स मोस्टली। यहाँ पे जो ये वाला भी है इसको सिडैक ने अपना डेवलप किया है इंडिया में, जो हमारा नेशनल कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसके तहत। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, स्वदेशी सुपर कंप्यूटर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो इसके साथ अब उत्तर प्रदेश में कुल रामसर साइट्स की संख्या आपको बतानी है। तो इसके साथ अब हो गया है हमारा नंबर ऑफ साइट्स की संख्या 10। ठीक है, अब इन 10 का नाम बता देते हैं आपको, जैसे बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हैदरपुर वेटलैंड, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, फिर आपका है समसपुर बर्ड सेंचुरी, सैंडी बर्ड सेंचुरी, सरसई नावर झील है, सुर सरोवर है, और ये जो आपका अपर गंगा रिवर का स्ट्रेच है ब्रज घाट से लेके नरोरा वाला स्ट्रेच, ये भी है। तो इस तरीके से 10 रामसर साइट्स कुल हो गई हैं। इंग्लिश में भी इसको देख लीजिए। अगला है कि निम्न में से जलप्रपात और नदी की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा मैच नहीं है, गोकक फॉल्स कावेरी नदी पे नहीं है, ये घाट प्रभा रिवर पे है कर्नाटक के अंदर। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए जो है गलत था यहाँ पे, और इंग्लिश में भी देख लीजिए इसको। अगला देखिए, निम्न में से 3 देशों की भूमि वाला द्वीप जो है कौन सा है। एक ऐसा आइलैंड है जो कि उसकी टेरिटरी जो है पॉलिटिकली डिवाइडेड है 3 कंट्रीज में, जिसमें कि आपका ये बोर्नियो आइलैंड है हमारा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, और ये जो नॉर्थ में डिवाइडेड है मलेशिया और ब्रुनेई से, और साउदर्न पार्ट जो इसका है इंडोनेशिया में है। मैप में एक बार इसको लोकेट करें। निम्न महासागरों में से दूसरा सबसे गहरा महासागर कौन सा है। ठीक है, तो सेकेंड डीपेस्ट हो जाएगा हमारा अटलांटिक, है ना, फर्स्ट पे तो जैसे पैसिफिक है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है। ठीक है, तो लाइटेस्ट और हैवीस्ट मेटल अगर हम देखें तो ये लिथियम जो है हमारा लाइटेस्ट में आएगा, और ऑस्मियम जो हो जाए ये हैवीस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन चूज करेंगे हम। अगला है, क्वांटम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो बेसिकली एक क्वांटम थियोरी होती है जो कि अब ये एक्सप्लेन करती है जो मॉडर्न फिजिक्स फिजिक्स है उसको थियोरेटिकल बेसिस पे एक्सप्लेन करती है, जिसके अंदर जो हमारा कह लीजिए मैटर है और एनर्जी है उसका नेचर और बिहेवियर बताती है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो हमारा ये प्रोपाउंडेशन किया है मैक्स प्लैंक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कार्बोनिल क्लोराइड का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो कार्बोनिल क्लोराइड बेसिकली जो एक हमारी कलरलेस गैस होती है फॉस्जीन, ठीक है, उसको ही बोलते हैं, और इसका यहाँ पे केमिकल जो सूत्र है CoCl2। अगला देखें कि निम्न में से किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान महसूस होता है। ठीक है, तो बेसिकली एक एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारा लैक्टिक एसिड का। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है, तो कुछ यूनिट्स हैं उसके द्वारा क्या मेज़र होता है वो देखा जा रहा है यहाँ पे, तो बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा इसमें। क्यूसेक देखिए जल की आर्द्रता होता है, तो बेसिकली क्यूसेक में क्या होता है कि हम जो फ्लो होता है वाटर का वो नापते हैं 1 क्यूबिक फुट पर सेकेंड में। ठीक, अगला है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी हमारी हो जाएगी एनर्जी। ठीक है, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज में आएंगे। अब यहाँ देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हम देखेंगे, ये हमारा जो है सही नहीं है। मोमबत्ती का काम बेसिकली क्या होता है कि वो प्रकाश ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में नहीं बदलता है, वो केमिकल एनर्जी जो होती है वैक्स के फॉर्म में, उसमें मोम जो होता है दैट कन्वर्ट्स इंटू लाइट एनर्जी, है ना, या हीट एनर्जी कह लीजिए। नेक्स्ट है कि सेकेंड लोलक का आवर्तकाल क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा पेंडुलम है सेकंड पेंडुलम, इसका जो टोटल हमारा टाइम पीरियड होता है ये 2 सेकंड्स का होता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो आंख का स्ट्रक्चर है, एक बार आप रेफर करें पूरे स्ट्रक्चर को, देखें कहाँ पे क्या होता है। रेटिना फिलहाल इसका आंसर है, यहाँ पे हमारा जो प्रतिबिंब बनता है इमेज किसी ऑब्जेक्ट का। अगला देखिए कि इनमें से भी कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। लिखा क्या है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ये विद्युत आवेश का जो हमारा एसआई मात्रक होता है कूलॉम होता है। ठीक है, और जो हमारा विद्युत धारा होती है इलेक्ट्रिक करंट उसका एसआई यूनिट जो होता है एम्पियर होता है। ठीक,
अब यहाँ पे भी कौन सा जोड़ा सही नहीं ये देखना है। तो यहाँ पे पोमोलॉजी पपीता की कृषि जो लिखा है ये गलत है। पोमोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे फ्रूट्स होते हैं और उसका जो कल्टीवेशन होता है उसकी स्टडी की जाती है। अगला देखें, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो जो डॉग होता है साइंटिफिक नेम बेसिकली उसका होता है कैनिस लूपस फैमिलियारिस। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित किस फसल में नीलहरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गीज जो होती हैं बेसिकली बायो फर्टिलाइजर और एज वेल एज जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है पैडी फील्ड्स में, तो यहाँ पे यूज करते हैं हम। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ठीक है, तो हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर इनॉग्रेट किया गया है लेह के अंदर लद्दाख में। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। अगला देखें कि कुछ पुस्तकें हैं और लेखक हैं तो उसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, हमारा गलत तरीके से मैच किया हुआ है। जो हमारी बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड ये भगत सिंह ने लिखी थी। ठीक है, अगला देखिए कि निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला। ठीक है, तो ये जीवी मामलंकर जी थे। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है सरोजनी नायडू जी का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा जो है ये गलत हो जाएगा। साइमन कमीशन का अराइवल इंडिया में हुआ था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को जो है कह लीजिए रिव्यू करने के लिए भेजा गया था। इसको अपॉइंट किया गया था 1927 में और इंडिया ही आया था 1928 के अंदर। ठीक है, अगला देखें कि जमन लाल बजाज को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह कौन सी थी। ठीक है, तो यहाँ पे उस टाइम पे ये राय बहादुर खान बहादुर से उपाधि दी जाती थी तो इन्होंने वापस की थी राय बहादुर की टाइटल। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगला देखें, सितंबर 1946 में तिभागा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो एक ये किसानों का मूवमेंट पीजन मूवमेंट था और ये बंगाल में शुरू हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखिए, किस संस्थान ने बच्चों को निमोनिया से सुरक्षा देने के लिए भारत का पहला टीका जिसका नाम है निमोसिल विकसित किया। ठीक है, तो ये निमोनिया से प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे विकसित किया गया था जो हमारा पुणे में है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा विकसित किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो खत्म करेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।